जनकपुर में चर्चा परिचर्चा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बनबसा क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस गोष्ठी के आयोजक मदन मेहर ने बताया कि टनकपुर क्षेत्र आज अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पिछड़ता जा रहा है, जबकि अन्य क्षेत्र निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस समस्या को लेते हुए टनकपुर में विचार विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत क्षेत्र के सम्मानित सदस्यों द्वारा निबंध लेखन के तौर पर समस्याओं को पत्र के तौर पर लिखा गया है। इन सभी समस्याओं का एक निचोड़ निकाला जाएगा और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। टनकपुर में जो ये विचार गोष्ठी हम लोग कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि टनकपुर बनबसा की अपनी समस्याएं हैं, जिनका समाधान जो है आज़ादी के 7 दशक बाद भी नहीं हो पाया है। तो हमारी गोष्ठी में जो है कई बुद्धिजीवी लोग आए हैं, हम इनके विचार यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं और उन विचारों के आधार पर एक खाका तैयार किया जाएगा विकास का, जिससे कि आगे आने वाले समय में इन समस्याओं पर विचार किया जाएगा और इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।